अंकल का वेट तोड़ दे आज खड़ी हो गाइस हम बच चुके प्लीज सेवन सेव अस हम दोनों को घर चुपा जेब कतरों से सावधान रहे ओए जेब कतरी मेट्रो मेट्रो आज मैं जा रही हूँ अभी बताऊंगी थोड़ी देर में लेकिन उससे पहले मुझे किसी को पिक करना है और फिर उसके बाद जाना है तो चलो सकते हैं तो गाइस मैं जा रही हूँ बस मेरी गाड़ी आने वाली है मैं क्या नाम है उसका BMW में तो गाइस ये रही खुशी में खुशी हमने सिम उठा लिया है दवा आई नहीं अभी तक फिर तो बहुत लेट हो जाएगा पागल है क्या 10 मिनट में आ जाती है तो गाइस हम आ गए हैं हमारी गाड़ी है इसमें जाएंगे हम छोटे मोटे लोग नहीं हैं हम चार पहियों में जाते हैं हम जाते हैं कितने पहिए इसके दो चार बड़े बड़े चार में जाते हैं लेकिन हम बड़े बड़े चार पागल हो गई है मतलब मुझे लगा कि ये बस वहाँ पे खड़ी होगी थी मुझे लगा अभी तो खाली पड़ी है भरने का टाइम लेगी तो मैं खड़ी होगी मैंने रुक जाओ ब्लॉक शूट कर लेती हूँ अच्छे से एंट्री का अपनी बस में और ठीक है अच्छी बस चल पड़ी और ये घुस गई बस में और मैं रह गई ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसे ही होता है वेट थोड़ी करेगा भाई पापा की गाड़ी नहीं है ये ताजी चीज बताओ यार मुफ्त में दिल्ली घूम रहे आपको बस नहीं हो रहा लगी होंगी मारी हूँ टिकट पे अबे फोन पे अबे फोन पे महिला सिंगल यात्रा पास डेढ़ घंटे सवा घंटे के बाद फाइनली हम आ गए हैं सरोजनी मार्केट अभी भी नहीं आए हैं लेकिन सबवे में चल रहे हैं और धीरे धीरे करके पहुँच जाएंगे लेकिन फाइनली बस का हमारा जो चलनी थी वो ख़त्म हुआ बहुत अच्छा पर हालत तो वहाँ पर हमारी देखी जो कितनी बढ़िया हो गई है घर से इतने सोने सोने बन के निकले थे और यहाँ से अब बहुत गर्मी लग रही है पानी की वजह से हमारी गर्म हो गई है निकल रहे हैं हम बाहर क्या पे बहुत भारी बरसात हो रही है आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी हैवी रेनफॉल हो रही है लीफ फॉल हो रही है ये देखो नीचे फाइनली फाइनली हम आ गए हैं सरोजनी नगर मार्केट आपको मेरे पीछे दिख ही रहा होगा हमने भाई यहाँ पे आ गए छोले कुलचे खाने के इतने अच्छे स्टॉल है मेरा भूख लग गई मेरा मन कर रहा है शॉपिंग वॉपिंग छोड़ के खाना नंबर 4 से हमने एंट्री अब हम एंट्री कर रहे हैं सरोजनी नगर मार्केट फाइनली में हम आ गए हैं ये रही सरोजनी नगर मार्केट हर लड़की के सपने की नगरी हम इसके अंदर घुस रहे हैं भाई सरोजनी नगर में मिलते ये दिखाए हमें ये तो हम यहाँ पे अब खाना खाएं या शॉपिंग करें घर जाएंगे नहीं भैया नहीं वेट चेक करा रहे कुछ अंकल का वेट तोड़ दे आज खड़ी हो गई हम बीच चौराहे पे खड़े हैं किधर जाना चाहिए समझ नहीं आ रहा है जाए कोई चप्पल ले रही है लेकिन इस बेचारी को कोई चप्पल का साइज ही नहीं आ रहा है हाथी का पैर लेके बैठी है खाना कहाँ है गाइस सरोजनी नगर मार्केट में हमें एक कान की कुंडलों वाला स्टॉल मिला और ये देखो बॉस की आंख भी हमें यहाँ पे पड़ी हुई मिली यहाँ से पहनती हल्के रही तोता मैना वाले इयररिंग्स बीन जैम केक वाह 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 और ये कमर पे पहनने वाली पट्टे भी मजबूत एकदम
तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, अब हम थोड़ा खा रहे थे, फिर उसके बाद हम अगले शॉपिंग कंटिन्यू करेंगे। ये ले मैडम, 2 मिनट भी लोगे? ये पकड़ कितने करें? क्यों ये बेचारी को दुख हो रहा है? इसके स्कूप में कम आई है, मेरे स्कूप में भर कर आई है। स्टोरी लग रही है। और करो शॉपिंग। गाइस हम फंस चुके हैं, प्लीज समवन सेव अस। हम दोनों को घर छोड़ दो, हम दोनों को घर छोड़ दो, कोई बस नहीं आ रही है। और हम खड़े खड़े पागल हो गए हैं। मतलब तो बैठ गए लेकिन हम पागल हो चुके हैं और हम थक गए यार, हम थक गए। कोई बात नहीं यार, वहाँ पे एक जो कोच था ना उसमें सारी लेडीज थी, जेंट्स तो देने और ये उठ ही नहीं रही थी आल सिंह की। अरे वो पहले रुकती है ना तो एकदम जर्क आता, तो मैं गाइस हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, हमें घर जाना है लेकिन ये कायनात हमें घर भेजना नहीं चाहती है। मैं पूरी दिख रही हूँ, मैं बहुत बुरी दिख रही हूँ। 1 घंटा खड़ी है ना, इसके ऊपर लिखा है जेब कतरों से सावधान रहे। ओए जेब कतरी कुछ कुछ पागल हो गई है थकान के हमारे मेट्रो कुछ मत बुला, कैसे बुला रही थी मेट्रो मेट्रो नहीं मेट्रो मेट्रो